आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रीघा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 खबरों की। पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। ओमिक्रोन के खतरे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सख्त नजर आ रही है। दोनों राज्यों में 25 से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राज्यों में रात 11 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश में शादी में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों के लिए भी कोरोना संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता हुई तो कुछ और उपाय भी किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेशों में जमावड़े को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। बता दें कि लखनऊ में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए सख्ती लाई गई है। 3 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। लखनऊ में संक्रमित लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए भी भेज दिया गया है। और इस खबर में मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, क्या धीरे धीरे सख्ती और बढ़ेगी या इसी सख्ती की वजह से कोरोना नियंत्रण में आ जाएगा? देखिएगा, बताऊँ, नाइट कर्फ्यू का, लॉकडाउन का कोरोना को रोकने में अहम भूमिका रही है। मैं आपको बताऊँ, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार नाइट कर्फ्यू चल रहा था, जो कि 17 नवंबर तक लगातार चलता रहा है। 17 नवंबर को जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस कर्फ्यू को बंद किया था, रोका था। उसके बाद माना जा रहा था कि अब इस पर राहत मिलेगी, क्योंकि उसके बाद फिर जिस तरह से उन्होंने कल एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, अब चूंकि कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है और नया वेरियंट ओमिक्रॉन जो लगातार 7 गुना तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए उन्होंने जो 17 नवंबर को जो नाइट कर्फ्यू उनका बंद हुआ था, उस कर्फ्यू को उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया है और कहा है कि 11 रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवागमन बंद रहेगा और कोई बहुत आवश्यक चीज़ें हैं ये वो उस दौरान जारी रहेंगी। बाकी सब पर रोक लगेगी, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे सिनेमा हॉल हो, तमाम चीज़ें ऐसे हो जो रात्रि पाली में चलती है, उन सबको बंद किया जाएगा और उन पर स्थायी तौर पर रोक लगाई जाएगी। वहीं इसी पटकरा में चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो जहाँ जहाँ सरकार है, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आबादी यहाँ भी ज़्यादा है और पिछली जो महामारी थी, जो आपकी दूसरी लहर थी, उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, उन लोगों की मौत हुई थी। तो माना जा रहा था कि यहाँ पर भी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और ऐसा कदम उठा लिया गया। हालांकि गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर अमौसी एयरपोर्ट भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर लोगों का आगमन रहता है, तो तमाम कोविड संबंधी गाइडलाइंस जारी की गई थी। पर उस तरह आज जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अभी 25 दिसंबर से रात्रि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो आपका कोरोना कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान आवागमन पर रोक लगेगी और जो भी रात्रि पालियों में चीजें चलती हैं उनको पूरी रूप से रोक लगा दी जाएगी। गौरव, एक अहम योगदान तो रहा ही है लॉकडाउन का, तो क्या ये फैसला सही है? अभी अगर हम छोटे और कम समय के लिए लॉकडाउन लगा देते हैं तो हमें बड़े समय के लिए लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा, अभी ही नियंत्रण में आ जाएगा कोरोना। देखिए, कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन थोड़ा सा अंतर है। लॉकडाउन जब होता है तो पूरी तरह से तालाबंदी होती है और उसकी समय सीमा होती है, छूट भी रहती है और तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो उस दौरान चालू रहती हैं। क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू में थोड़ा अंतर है, कर्फ्यू कोरोना के संबंध इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोरोना के समय हम आवागमन में रोक नहीं लगाएंगे, लोग एक दूसरे के पास जाएंगे नहीं, रात्रि पाले में जो रेस्टोरेंट चलते हैं, बार चलते हैं, तमाम ऐसी गतिविधियाँ चलती हैं रात्रि में समय, अगर उस पर रोक लगेगी तो कुछ ना हद तक इसको रोका जा सकता है। और शुरुआत से ही देखा जाता है, जैसे जैसे कोरोना की शुरुआत होती थी, अगर पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, तो शुरुआत कर्फ्यू से होती थी। अब हो सकता है कि भविष्य में जाकर लॉकडाउन भी लगाएं। अब लॉकडाउन कितना होता है, क्योंकि अभी शुरुआत कर्फ्यू से हो रही है, हो सकता है कि माना जाता है कि कर्फ्यू का टाइम भी बढ़ाया जाए, जो अभी 11 बजे है वो 9 बजे हो सकता है और 9 बजे सुबह 6 बजे तक हो सकता है। इस तरह की गतिविधियाँ चलती रही, हो सकता है उसके बाद जो साप्ताहिक बंदी भी जारी की जाए, जो पिछली बार शुरू हुई थी शनिवार इतवार की बाद में, हालांकि उसको हटा दिया गया था। तो ऐसे चरण बाई चरण यहाँ पर जो कदम उठाए जाएंगे जिससे कि नागरिकों में एक पैनिक की स्थिति, यानी एक प्रकार से घबराहट का माहौल पैदा ना हो, इसी समय चरण तरीके से चीज़ें की जाएगी। अगर कोरोना कर्फ्यू से ही निजात मिलती है, हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी केवल 3 मामले ओमिक्रॉन को आए, बहुत ज़्यादा स्थिति पैनिक नहीं है, पर एहतियातन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा कदम उठाया है जिससे कि कुछ हद तक कोरोना को हम रोक सकेंगे और जो संक्रमण है उसको फैलने से रोका जा सकेगा। गौरव, जिस तरह से छूट दी गई है 200 लोगों को शादी समारोह में जाने की और सार्वजनिक स्थानों पे 50% क्षमता कर दी गई है, तो किन किन चीजों में छूट मिली है ये जानना। मैं आपको बता दूं कि खुले में शादी में अगर होती है तो उसमें 200 लोगों के जाने की इजाजत है, और अगर बंद है, जहां पर यानी जो वेन्यू रहेगा, जो स्थान रहेगा शादी का, अगर बंद है तो वहां पर 100 लोगों की अनुमति दी गई है। हालांकि मुझे ये समझ में ये नहीं आता कि अगर अनुमति शादी में स्थान के लिए दी जा रही है, शादी में दी जा रही है, पर जिस तरह से रैलियां जनसभाएं हो रही हैं वहां पर इस तरह की गाइडलाइन जारी क्यों नहीं होती, वहां पर भी लोग मिलते हो,
बुरी तरह से जहाँ पर जगह नहीं होती खड़े रहते हैं और ना वो मास्क लगाते हैं ना कोविड गाइडलाइन का पालन करते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम जो नागरिक स्तर पर इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं तो हमको ऐसी रैलियाँ होती हैं, चुनावी सभाएँ होती हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि जिस तरह से अभी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और उन्होंने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक निवेदन किया है कि आप जो चुनाव है उसको टाल दें, क्योंकि पिछले जो दूसरी लहर थी उसमें भी आपका जो पंचायत चुनाव होते बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी। तो उनका मानना है कि अगर आप वैक्सीनेशन अभियान में आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आगामी कोरोना की जो तीसरी लहर की उम्मीद मानी जा रही है, ओमिक्रॉन के जो नया वेरिएंट की लहर मानी जा रही है जो साल भर तेजी से फैल रहा है, उसको देखते हुए इस तरह की चुनावी सभाएं और रैली पर रोक लगाई जाए और चुनाव को अगर कोशिश की जाए तो चुनाव को भी टाला दिया जाए। गौरव, जिस तरह से पिछले चुनावों में देखा गया था काफी रैली जनसभाएं की गई थी जिसके बाद काफी मौतें भी देखने को मिली थी, हर घर में कोरोना देखने को मिल रहा था, तो क्या इस बार इलेक्शन कमीशन पहले ही सख्त एक्शन लेगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर पिछली बार सख्त एक्शन लेता तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो मौतें थी जो कि पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी, कई लोगों के जो परिवार उजड़ गए, वो नहीं हो पाता। इसीलिए हाईकोर्ट ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी आगाह किया है कि इस मामले में कदम उठाएं, उस तरह की जो चुनावी सभाएं हैं, रैलियां हैं, यात्राएं हैं, उन पर रोक लगाएं और हो सके तो इस चुनाव को टाला भी जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। वहीं अब अगली खबर कानपुर से है, जहां शिखर पान मसाला कंपनी के ठिकाने पर बीते 24 घंटे से कार्रवाई चल रही है, जिसमें कंपनी के एक सप्लायर के पास से करीब अब तक 90 करोड़ नगद और 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बरामद हुई है और नोटों की गिनती लगातार जारी है। कंपनी ने कई फर्जी फार्मों के नाम से बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की है। साथ ही इत्र कारोबारी पीयूष जैन का भाई पंपी जैन समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी है, जिसने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। तो ये देख रहे हैं हम कि बीते कुछ दिनों से लगातार शिकंजा कसता हुआ जा रहा है सरकार का समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, और जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है इसको लेकर भी काफी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस पीयूष जैन जो कि इत्र कारोबारी हैं उनके भाई पंपी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर आईटी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कई समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ये शिकंजा कस चुका है और अब जिस तरीके से ये अवैध रकम सामने आ रही है, निकलकर सामने आ रही है, तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, ये छोटी मोटी रकम नहीं है जो निकलकर सामने आई है कानपुर से। बीते 24 घंटे से कार्यवाही चल रही है, कंपनी के एक सप्लायर के पास से अब तक 90 करोड़ नगद और 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बरामद हुई है। यह बड़ी खबर है। नोटों की गिनती लगातार जारी है, कई मशीनें लाई गई हैं नोटों को गिनने के लिए, लेकिन वो भी कम पड़ रही हैं। कंपनी ने कई फर्जी फार्मों के नाम से बिल बनाकर करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी की है, जीएसटी चोरी करने का इल्जाम लगा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि कितने नोट बरामद हुए हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी बीच में आ रहा है। तो कानपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 24 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। शिखर पान मसाला कंपनी के ठिकाने पर छापेमारी की गई है, जहां पे तस्वीर बता रही है कि कितने नोट बरामद हुए हैं, यानी कि कितनी बड़ी रकम बरामद हुई है। तो 24 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है और लगातार अभी भी नोटों की गिनती जारी है। 90 करोड़ नगद और 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बताई जा रही है। तो इतनी बड़ी रकम घर में रखना, जीएसटी चोरी करना, तो ये एक बड़ी बात है, और अगर इसमें नाम जुड़ जाए किसी नेता का तो वो और भी बड़ी बात बन जाती है और बड़ी खबर बन जाती है। और यही कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है और आज की सबसे बड़ी खबर भी हम कह सकते हैं, क्योंकि जीएसटी चोरी का मामला भी है, समाजवादी पार्टी के नेताओं पे लगातार आईटी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, इनकम टैक्स की छापेमारी हो रही है और अवैध संपत्तियों को लेकर जिस तरह से छापेमारी की जा रही है इस पर बयानबाजी भी चालू है। जब इससे पहले तीन नेताओं पर, समाजवादी पार्टी के तीन नेताओं पर जब शिकंजा कसा था आईटी का, तो अखिलेश यादव का बयान सामने आया था कि घबरा गई है सरकार और कुछ भी कर ले साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, और ये भी कहना था समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, प्रवक्ताओं का, कि अगर हमारे पास से, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास से कुछ मिलता है तो बताएं। लेकिन इस बार जो छापेमारी हुई है उसमें काफी बड़ी रकम निकल के सामने आई है, जो कि एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने पैसे कहां से आए, कितने की जीएसटी चोरी करी और कितना सरकार की नजरों से पैसा बचा के रखा गया है। तो बड़ी कार्रवाई की जा रही है,
24 घंटे से ये कार्यवाही चालू है। शिखर पान मसाला कंपनी के ठिकाने पर ये छापेमारी की गई है और बड़ी रकम निकल के सामने आई है, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम भी सामने आ रहा है। ये वही नेता का नाम सामने आ रहा है जो इत्र कारोबारी है पीयूष जैन, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं। पंपी जैन समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं और इन्होंने समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया था, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि जितनी आप नोटों की गड्डी दे सकते हैं, इतना पैसा देख रहे हैं, ये छोटी मोटी रकम नहीं, 90 करोड़ नगद और 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति है। और अभी भी छानबीन जारी है, अभी तक तो ये सिर्फ आंकड़ा सामने आया है, लेकिन अभी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि और भी रकम ऐसी हो सकती है जो अघोषित हो, जिसके बारे में पता ना हो, बैंक में होगी कुछ रकम, तो वही कुछ रकम ऐसी भी है जो छुपा हुआ भी है, यानी कि वो नकदी जो अभी भी छुपी हुई है, एक जगह से इतनी छापेमारी करके रकम बरामद की गई है। बाकी अन्य ठिकानों पर भी लगातार छापेमारी चल रही है, और इतना ही नहीं, बाकी जगह पे भी अभी कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रिजवान जुड़ चुके हैं कानपुर से। रिजवान, अब तक कहां तक पहुंची है ये आईटी की कार्रवाई? बड़े जगहों पे रेट पड़ी है, जिस कहीं ना कहीं कभी शू बाजार तो कभी इत्र कारोबारी, कभी शिखर पान मसाला को लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई जारी है। जी, तो समाजवादी पार्टी के नेता एमएलसी का नाम भी सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? कुछ लोगों का कहना है कि वो उस पार्टी से जुड़े हुए थे, इस वजह से ऐसा काम हो रहा है। कुछ का कहना है कि इस वजह से हजारों बातों को लेकर आईटी का कुछ, इसमें आईटी का कुछ कहना साफ नहीं समझ में रहा, आईटी कुछ बोलना नहीं चाहती। अभी 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 एक मामला ये भी आया है कि आईटी के क्या बोलते हैं, इत्र कारोबारी के बेटे को भी अभी पुलिस आईटी सेक्टर उठा, आईटी वाले उठा के ले गए पीयूष जैन के बेटे। रिजवान, हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कार्रवाई चल रही है वो किसके घर पे चल रही है? इस वक्त की कार्रवाई चल रही है पीयूष जैन जी हैं इत्र कारोबारी जी, उनके घर पर कारोबारी चल, उनके ऊपर छापेमारी जारी है जी। तब तक कितनी नकदी बरामद हो चुकी है? एक सौ पचास करोड़ रुपए की नकदी है और 90 करोड़ रुपए के पैसे बताया जा रहे हैं जो जीएसटी के नाम पे लिए गए जी। रिजवान, क्या कुछ जानकारी है, क्या ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है कि और भी इनकी प्रॉपर्टी या फिर कैश होगा जो कि छुपाया हुआ होगा अवैध तरीके से? हाँ, इनका कुछ मामला कन्नौज से समझ में आता है, कन्नौज से इनके तार जुड़े बताया जा रहे हैं। इनके जो चचा है पम्मी जैन का भी इत्र के नाम से इनका समाज सेवी इत्र के नाम से इनका कारोबार है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ सीन बताया जा रहा है जी। रिजवान, 90 करोड़ रुपए नगद घर से बरामद हुए हैं, क्या इसका इस्तेमाल चुनाव में होने वाला था? अभी इस मामले में कुछ जानकारी साफ नहीं हुई है। वही कहने का मतलब है कि अब तक इन्होंने 90 करोड़ रुपए का नगद और 150 करोड़ अघोषित संपत्तियां हैं टोटल जी। बिल्कुल, कितनी देर से चल रही है ये कार्रवाई? कल से चल रही है कार्रवाई, को चलते हुए 24 घंटे से लगभग 24 घंटे बताए जा चुके हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रिजवान जुड़े थे कानपुर से। अब खबर आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र से है, जहां देर रात बदमाश प्राइवेट टाटा इंडिकैश के एटीएम को उड़ा ले गए, जबकि कंपनी ने सुरक्षा गार्ड भी तैनात नहीं किया हुआ था, जिसकी सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसएसपी सहित कई थानों की फोर्स पहुंची और बदमाशों की तलाशी में जुट गई और कई टीमों का गठन भी किया गया है। तो एटीएम की चोरी की घटना सामने आई है आगरा से, जहां बदमाश दिन दहाड़े बिना किसी खौफ के एटीएम को उड़ा कर ले गए। आपको बता दें कि इस एटीएम पे कोई गार्ड या चौकीदार भी नहीं रखा गया था, और जब इस खबर की सूचना पुलिस को मिली तो हड़कंप मच गया। एक टीम गठित की गई है जो कि इसकी पूरी छानबीन करेगी। देर रात की घटना बताई जा रही है, बदमाश प्राइवेट टाटा इंडिकैश के एटीएम को उड़ा कर ले गए हैं, कंपनी ने सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं किया हुआ था। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एसएसपी सहित थाने की फोर्स भी पहुंची है।
बदमाशों की तलाश जारी है और बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। तो चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और किसी तरह का कानून प्रशासन का कोई डर नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से पूरे एटीएम को उड़ा के लेके गए हैं, ये बता रहा है कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त होती नजर आ रही है। कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है बदमाशों में, छोटी मोटी चोरी नहीं, पूरा पूरा एटीएम उड़ा के ले जा रहे हैं बदमाश। आगरा से खबर सामने आ रही है, आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। देर रात बदमाश प्राइवेट टाटा इंडिकैश के एटीएम को उड़ा ले गए हैं। तो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस और आगरा से ये खबर सामने आ रही है जहां पे चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, कोई डर नहीं नजर आ रहा है बदमाशों में। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, क्या है पूरा मामला, कितने बजे की घटना है? लूट हुई है, ये तकरीबन 2 से 2.5 बजे के रात्रि का समय रहा है जब ये लूट हुई है। जब एटीएम को ही उखाड़ के ले गए वहां से, तो लगभग जो एसएसपी हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि इसके अंदर लगभग 8 लाख कैश रहा था इसके अंदर। तो ये बड़ी घटना है, जिस तरह देखा जा रहा है कि जो जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही है और ये लूट की जो घटनाएं, जो वारदात है, लगातार बढ़ती जा रही है। जी ममता, जिस तरह से किसी गार्ड की तैनाती नहीं की गई थी, तो क्या कहेंगी, ये बड़ी लापरवाही कंपनी की तरफ से तो है, इस पे क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल, जिस तरह की बताया गया वहाँ कि जिस तरह वहाँ एटीएम पर कोई गार्ड की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ गार्ड कोई मौजूद ही नहीं था, तो इस तरह देखा जा रहा है कि कंपनी की तरफ से साफ तौर से पूरी लापरवाही है कि जहाँ एटीएम पर जो कैश है और कैश की मौजूदगी के बावजूद भी वहाँ कोई गार्ड की व्यवस्था कंपनी की तरफ से, जो बैंक की जो एटीएम है उसकी तरफ से कोई भी किस तरह की व्यवस्था नहीं की। तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि बिल्कुल साफ तौर से वहाँ अव्यवस्था है और वहाँ लापरवाही है पूरी तरह से। जी, तो बदमाशों के हौसले तो बुलंद नजर आ ही रहे, क्या सीसीटीवी कैमरे में क्या फुटेज कैद हो पाई है इन बदमाशों की? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह जो सीसीटीवी फुटेज जो हाथ लगे हैं पुलिस को, उसमें साफ तौर से बदमाश ढाटा मार के दिखाई दे रहे हैं। एक बदमाश रुमाल बांधे हुए है तो दूसरा वही एक दुपट्टे का सहारा लेकर उस पूरे फेस को कवर किए हुए। लेकिन वही जब एसएसपी आगरा सुधीर कुमार से बात की गई, तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह जो एटीएम के जो लुटेरे हैं और बहुत जल्द हमारे गिरफ्त में होंगे और बहुत जल्दी हम उन्हें बर्खास्त कर देंगे। और हमने लगातार जो टीमें हैं उनको गठित कर दिया गया और टीमें लगातार अपना बल कर रही है और बहुत जल्द वो हमारी गिरफ्त में होंगे। जी, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो वो कैसी देखने को मिल रही है, जहाँ बदमाशों में कोई खौफ नहीं है, चोर पूरी पूरी एटीएम को उड़ा ले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जा रहा है बिना कई कई दिनों से, इस तरह की कई महीनों से जब से ये सर्दियां शुरू हुई हैं, पिछले 2 महीनों से ये इस तरह की घटनाएं आज दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि किसी के घर के अंदर चोरियां हो रही हैं, तो कहीं जो वाहन है, वाहन चोर वाहनों को ठग ले रहे हैं। लेकिन लगातार जो पुलिस है वो लगातार टीमें गठित करता, अभी विगत दिनों पुलिस के द्वारा एक बड़े जो खुलासा किया गया था, जो वाहन चोरों का खुलासा किया गया था वहाँ पर, 7 लोग थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो वही पुलिस हालांकि बर्खास्त कर रही है उसको, टीमों को गठित करके, लेकिन जो चोरों के जो हौसले बुलंद है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं सर्दी के मौसम को देखते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के स्टार स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 41 वर्षीय हरभजन सिंह ने भारत की तरफ से 711 विकेट झटके हैं। टर्मिनेटर के नाम से मशहूर हरभजन राजनीति के मैदान पर अपनी नई पारी खेल सकते हैं, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हाल ही में उनकी तस्वीर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी वायरल हुई थी। ऐसी खबरें हैं कि हरभजन पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसी खबर है कि हरभजन आईपीएल 2022 के अगले सीजन में किसी बड़ी फ्रेंचाइजी से सपोर्ट स्टाफ के तौर पर जुड़ सकते हैं। टीम इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले
वाले इस स्टार स्पिनर को उन्हें पंजाब पुलिस ने करीब 10 साल पहले डीएसपी पद भी ऑफर किया था, हालांकि उन्होंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। हरभजन सिंह ने भारत की तरफ से अपना आखिरी मुकाबला साल 2011 में खेला था। पिछले 5 सालों से वो टीम से बाहर चल रहे हैं। तो हरभजन सिंह का जो करियर रहा है वो काफी प्रेरित करने वाला रहा है और उनके फैंस के लिए काफी अच्छी खबर तो नहीं है। और हमारे साथ इस खबर पे अभिषेक पांडे सहयोगी जुड़ चुके हैं स्पोर्ट्स से। तो अभिषेक से जानते हैं कि कैसा रहा है हरभजन का करियर। तो हरभजन का करियर जिस तरह से शानदार रहा है, अभिषेक आप क्या कहेंगे, उनके फैंस के लिए ये कैसी खबर है? हम ये जरूर जानते हैं कि हरभजन देश के चुनिंदा बॉलरों में से एक हैं जिन्होंने भारत का नाम तकरीबन हर एक देश में विदेशी जमीन पे जाके रोशन किया है। वह अपने बॉलिंग एक्शन के लिए काफी प्रसिद्ध हुए, उनकी जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक है और उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलिंग में दूसरा को भी आजमाया जो काफी सफल रहा, और उनकी जो फ्लाइट और लूप का मिश्रण जो गेंदबाजी वो करते हैं उससे उन्हें बहुत सफलता मिली। इसके साथ ही हरभजन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो कुछ विवादों में भी रहे हैं। जैसे हम आईपीएल के पहले संस्करण की बात करें जहां पे वो श्रीशांत के साथ विवाद में आ गए, या फिर ऑस्ट्रेलिया का वह दौरा जहां पे वह एंड्रू साइमन के साथ विवाद में आए। जी अभिषेक, ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अब वो राजनीति से जुड़ सकते हैं, यानी कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जब उनकी वायरल हुई ये तस्वीरें उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आप? जी, उनकी तस्वीर जरूर वायरल हो रही है जिसपे कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, पर अभी इस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा, ये मात्र अटकलें भी हो सकती हैं। वैसे ये एक शिष्टाचारिक भेंट भी कहलाई जा सकती है, तब तक जब तक वो खुद कुछ बयान ना दें इस पे तब तक हमें इस बारे में कोई नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आईपीएल 2022 के लिए भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अगले सीजन में किसी बड़ी फ्रेंचाइजी से सपोर्ट स्टाफ के तौर पर जुड़ सकते हैं, क्या कहेंगे, इनके फैंस के लिए कितनी बड़ी खबर होगी? जी, हरभजन का अपना खुद का एक फैन बेस है और जहां पे भी ये ज्वाइन करेंगे कुछ नए समर्थक उस टीम के लिए जरूर और ऐड होंगे, पर अभी हम इस बारे में कोई सुनिश्चित खबर नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी ऐसा कोई ऐलान उन्होंने अपनी तरफ से नहीं किया है या किसी भी टीम में उन्हें अभी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अभिषेक पांडे स्पोर्ट्स सहयोगी जुड़े थे। चार बजे की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।